के निर्णायक मंडल जो पंच परमेश्वर के रूप में आप उपस्थित हो, मैं सब आप सब लोग प्रणाम करत समय के उपयोग 25 मिनट के समय और आज समझाए के कोनो जरूरत नहीं, आप हमला समझाए पर बैठे हो, है ना भाई। तो 10:05 में शुरुआत करत हूँ मैं अपन मंडली के प्रस्तुति। मोर घड़ी में आप अपन घड़ी लंदाज है ना भाई, और 10:30 ये मोर ये समय समाप्त हो है। चलिए आप सब लोग प्रणाम है। ब्रज रामचंद्र की, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो और कुकरी हत्या, कारण यहीं पर है। करो कुछ प्रतियोगिता प्रतियोग्य, हम रामायण के प्रति कतेक योग्य हन, माता पिता सेवा करे के प्रति कतेक योग्य हन, अच्छा विचार के प्रति कतेक योग्य हन, रामायण से जो भी सम्मान मिलते बोला अच्छा जगह में खर्च करे के प्रति कतेक योग्य हन। कुल मिलाकर के प्रतियोगिता के मैं अपन लिए यही भाव समझता हूं कि मानस के माध्यम से हम अपन आप ला मानस के लिए योग्यशील बनाई, समाज के लिए योग्यशील बनाई। जब ये मानस कथा से जुड़ना हमारे जीवन के लिए सार्थक है सज्जन, है ना। मैं सब लोग प्रणाम कर समय के उपयोग। रक्ताम भोज गदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामांगम द्विभुज प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यमृति सागरम प्रिय गणैर भात्रादि विरिभावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्यमनीषम भक्ते सिद्धप्रदम। दूध भी सार और दूध के सार कोने तो घी। रामायण के हर कथा सार है, हर कांठ सार है, लेकिन सब के सार है तो उत्तर कांठ। मैं आप सबके आशीर्वाद से अपन प्रस्तुति ला मानस के जो अंतर्गत भगवान राम के राज्य में का का हो थे, कैसे वातावरण बने हैं, ओला गोस्वामी जी हमला दर्शन करा थे। तो मोरो प्रयास है कि जो भी मोर भजन है भगवान राम के महिमा, राम कथा के महिमा ऊपर ही आधारित हो, ये मैं प्रयास रखत हूं। तप जितने ही काज मांगे बारिध देही जल रामचंद्र के राज। कितना सुंदर, भगवान राम अयोध्या में आके जब विराजमान, तो भगवान राम ला अयोध्या आए जान करके ओकर खुशी में 14 वर्ष तक के तो सब दुख ही दुख, दुख के सागर में डूबे रही नहीं, लेकिन भगवान जब अयोध्या आई तो अयोध्या के फिर खुशी लगा पूछ रहे हैं। गोस्वामी जी बताते रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा जो न अपन अमृतमय किरण ला वो पृथ्वी में पूर्ण रूप से बगरा देती है, अमृतमय किरण जे सब ल सुकून शांति वातावरण ये अनुभव कराते। और गोस्वामी जी बताते मांगे बारिध दे ही जल रामचंद्र के राज। गोस्वामी जी अवगत कराते भैया के सूर्य उतका ही तपत है, उतका ही प्रकाश गर्मी देवत है, कहते कि जितना आवश्यकता है सबला, कोनो ला घाम नहीं लगत है, कोनो ला ज्यादा आंच नहीं आवत है, सुंदर। एक गोस्वामी जी बताते कहां पर भगवान रामचंद्र जी, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी जो नव है वो बास करत है, अयोध्या धाम। भगवान रामचंद्र जी के राज्य में ये जौन सुख आनंद के अनुभूति जो न हुए हर जड़ से लेकर के चेतन तक करत हैं, ऐसे गोस्वामी जी जो है ये जगह में हम अवगत कराए है। कांवर के भगवान राम के महिमा अनंत है, अनंत जेकर कोई पारो ना पार। तो भगवान रामचंद्र जी के महिमा अनंत है, बहुत सुंदर आपके बीच एक रचना रखे प्रयास करत हूं। मोर संगुनातीत अरु भोग पुरंदर। गोस्वामी जी अंतिम अर्धावली में हमला संकेत करे है के प्रकृति जन्य सत्व रज औतम
तीनों गुण से भगवान जौन हवे वो अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण ये जगह में गोस्वामी जी जौन हवे भगवान रामचंद्र जी ल देश जौन भगवान रामचंद्र जी ल उपमा देहे बर ये संसार में कोनो वस्तु के निर्माण नहीं हुए है जेकर से भगवान ल हम उपमा दे सकत हन। ऐसे गोस्वामी जी जौन हवे ये जगह में हम अवगत कराते हैं। बोल रज रामचंद्र की जय। मानस रसिक श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस गांव गांव में एक गंगा बहा दी। हम भागीरथी के नाम तो सुने ओला कान से सुने लेकिन अगर आंखी में देखा थन तो पूरा मानस समिति मिल करके ग्राम के सब दाई दादा मिल करके मानस गंगा लय गांव में आप ला दे आओ। भगवान कृष्ण यज्ञ में चार प्रकार के यज्ञ के वर्णन अर्जुन ने समझाते लेकिन सबसे महान सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ। तो अभी कहा होते तो ज्ञान यज्ञ हो थे। तो जिला आप एक भागीरथी के रूप में ये मानस गंगा ला के ज्ञान यज्ञ में हमला शामिल करे हो और मानस गंगा से स्नान करवाए हो। शोभा खानी सुशील विनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। गोस्वामी जी जगह में अवगत कराते हैं कि शोभा के खान माने फैक्ट्री जत का शोभा है सुंदरता है तेकर जन्म देने वाले है ना भाई। तो शोभा के खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रह थे। पति के अनुकूल से बाहर नहीं जाते। वो कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के प्रभुता महिमाला जाना थे कि ये जगत के स्वामी है।